नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप राजमा की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में राजमा की खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि राजमा की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, तापमान एवं भूमि का पीएच मान, उसके बाद राजमा की कौन सी बेस्ट वैरायटी लगाए जिसकी उत्पादन ज़्यादा है, उसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजमा की खेती कौन सी एरिया में करें, कैसी जलवायु में करें, और भी ज़्यादा बात करेंगे कि राजमा की खेती करने के लिए कौन सी तरीका अपनाएं जिससे उत्पादन ज़्यादा मिलेगी, रोग नियंत्रण किस प्रकार से करें, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें, कितनी बार सिंचाई करें एवं राजमा की मंडी रेट क्या मिलेगी। और वीडियो में दो स्पेशल जानकारी दी जाएगी जो आपको वीडियो के बीच में एवं वीडियो को अंत में दी जाएगी, जिससे आप राजमा की खेती पहले से कर रहे हैं तो आप जो राजमा का उत्पादन ले पा रहे थे उसके मुकाबले आप 2 से 2.5 क्विंटल ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। दो ऐसे वैज्ञानिक तरीके बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और भी नए किसान भाई जो राजमा की खेती पहली बार करना चाहते हैं वो भी किसान भाई वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्टॉप को मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद एवं काफी सारा किसान भाइयों से सलाह लेने के बाद ये जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजमा के बारे में, कुछ जान लेते हैं, उसके बाद राजमा की खेती पर चर्चा करेंगे। राजमा एक दलहनी फसल है जिसके दाने अन्य दालों की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। इसकी कच्ची फलियां को सब्जी में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, या आपको केवल राजमा की सब्जी भी होती है, इसलिए इसका डिमांड शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका डिमांड ज़्यादा है। तो इसकी डिमांड की कमी नहीं है, अगर आप इसकी खेती करते हैं तो मंडी रेट अच्छी मिल जाएगी आपको, और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा नीड भी है, ज़रूरत भी है। तो अब बात आती है राजमा की खेती पर कि राजमा की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कैसी मिट्टी में आप राजमा की खेती कर सकते हैं। राजमा की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें किसान भाइयों राजमा की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आती है कि जमीन जो भूमि है उसकी पीएच वैल्यू कितना होनी चाहिए, यानी पीएच मान, तो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच का जो पीएच मान होता है राजमा की खेती के लिए उपयुक्त होता है किसान भाइयों। अगर बात करें इसकी जलवायु की तो आर्द्र और शुष्क जलवायु की फसल होती है जिसमें जलवायु और तापमान अधिक अहमियत रखता है। किसान भाइयों भारत में राजमा की खेती खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में की जाती है। राजमा की पौधे की अच्छी सी वृद्धि करने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक गर्म और सर्द जलवायु इसके पौधे के लिए लाभदायक नहीं होती है किसान भाइयों। तो आप राजमा की खेती ठंडी के मौसम में भी एकदम अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको बम्पर उत्पादन मिलेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है राजमा की उन्नत किस्में, तो राजमा की जो उन्नत किस्में हम कई सारे वीडियो में भी आपको बताए हैं PDR 14 की किस्में के बारे में। ये राजमा की जो किस्में है इसे उदय नाम से भी जाना जाता है, और ये 125 से 130 दिन का समय लग जाता है बिल्कुल तरीके से परिपक्व होकर तैयार होने में, और लाल चित्तीदार होते हैं इसका दाना, और इसका जो उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण से हम कई वीडियो में कई सारे किसान भाइयों के यही वैरायटी सजेस्ट करते हैं। इसका उत्पादन आपको 30 क्विंटल की पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाएगी। उसके बाद HUR 15 आती है, मालवी 137 आती है, तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, राजमा की खेती के लिए खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा। किसान भाइयों वीडियो में आगे बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, अभी बहुत सारा जानकारी देना बाकी है, इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट जानकारी अभी वीडियो के बीच में आपको दी जाएगी। तो राजमा की खेती को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर देनी चाहिए, इससे पुराने फसल के जो अवशेष पदार्थ है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। खेत की जुताई के बाद उसे कुछ समय के लिए है आपको खुला छोड़ देना है, उसमें धूप लगने देना है। धूप लगने के बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 गाली सड़ी हुई जो पुरानी गोबर की खाद है या आप कहीं से वर्मी कंपोस्ट खाद है वो आप डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए आपको एक बार और से जुताई करके और पानी लगा देना है। पानी लगाकर प्लेबैक करने से होगा क्या, आप जो ने जो खाद डाले हैं और जो मिट्टी है दोनों एक दूसरे के घुल मिल जाएगी और दोनों में नमी की मात्रा भी चले जाएगी। उसके बाद आपको मिट्टी को भुरभुरी कराने की ज़रूरत आती है, तो आपको मिट्टी को भुरभुरी कराने के लिए रोटेवेटर से आप भुरभुरी करा सकते हैं। अगर बात करें रासायनिक खाद के इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 120 kg DAP की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। इसके बाद खेत की आखिरी जुताई के समय 60 kg नाइट्रोजन की मात्रा छिड़काव करना होता है। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अभी रोग नियंत्रण पर भी बात करना है और राजमा में सिंचाई के बारे में भी बात करना है। और उसके बाद हम उससे पहले जान लेते हैं राजमा के बीजों को रोपाई का सही समय और तरीका।
राजमा की बीज रोपाई को ड्रिल विधि द्वारा किया जाता है। इसके बीजों की रोपाई पंक्तियों में की जाती है, इसीलिए बीजों को रोपाई से पहले खेत में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखने हुए आपको पंक्ति तैयार करना है। अब बात आती है किसान भाइयों, राजमा की खेती कर रहे हैं तो इसमें सिंचाई कितनी बार करें। राजमा के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाई, ये बात मैं बता दूं। और इसकी पहली सिंचाई को बीज रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन में कर देना है, ज्यादा दिन का समय आपको नहीं लेना है, वही मात्र 15 से 25 या 20 दिन में कीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन किसानों ने इसकी रोपाई सूखी भूमि में की है उन्हें खेत में नमी को बनाए रखने के लिए बीज रोपाई से लेकर बीज के अंकुरण तक हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी आपको। अब बात आती है राजमा की फसल में जो कई प्रकार की रोग आने लगती है और ये रोग से काफी सारे किसान भाई परेशान होते हैं। तो किसान भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, वीडियो को पूरा देखें, रोग का नाम एवं रोग का रोकथाम भी बताएंगे। तो राजमा में सबसे ज्यादा रोग का जो समस्या आती है वो आता है तना गलन रोग। तना गलन रोग जो है काफी सारे किसान भाइयों की यह समस्या आई है। यह एक सामान्य रोग होता है किसान भाइयों जो अक्सर ही पौधे पर जल भराव की स्थिति में देखने को मिल जाता है। यह रोग पौधे अंकुरण के समय ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधे की पंक्तियां पर पीले रंग का जलीय धब्बा बन जाता है। आप लोग कई किसान भाई जो इसकी खेती पहले से कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा और काफी बार उनको ये परेशानियों का सामना भी करना होगा। तो रोगों के अधिक बढ़ जाने पर धब्बे का आकार भी विशाल हो जाते हैं जिससे पौधे को पंक्तियां पीली होकर गिर जाती है। इस रोग से बचाव के लिए मैंने आपको बताया ना वीडियो के बीच में आपको रोग मुक्त बताऊंगा, तो इस रोग से बचाव के लिए कार्बन डीजन की उचित मात्रा को संपूर्ण पौधे पर आपको छिड़क देना है किसान भाइयों। ये विधि आपको अपनाना चाहिए अगर ये रोग आती है तो, इससे आपके उत्पादन में वृद्धि आएगी। अगर रोग के कारण आपके पौधे मर जाते थे तो आपके उत्पादन में भी कमी आती थी। उसके बाद जो आती है कई किसान भाई जो होते हैं तना गलन रोग से तो पौधे को बचा लेते हैं, जब उनका फलिया आती है वही उत्पादन की मेन कारण होती है, उस समय फली छेदक रोग लग जाती है जिसके कारण से उत्पादन में कमी आ जाती है और किसान भाई सही उत्पादन नहीं ले पाते हैं। फली छेदक रोग राजमा के पौधे पर कीट के रूप में देखने को मिलता है। इस कीट का लार्वा फलियों की बीजों को पूरा खा जाता है जिससे पैदावार अधिक प्रभावित होती है। मोनोक्रोटोफ्रास या NPV की उचित मरका छिड़काव या पौधे पर नमी के तेल यानी कि नीम का जो तेल आता है उसका छिड़काव करने से इस रोग का रोकथाम किया जा सकता है किसान भाइयों। यह हमने करके देखा है, आप भी करेंगे फली छेदक रोग बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो बात आती है पूर्ण सुरंगक रोग, यह किस्म जो रोग होते हैं पंक्तियों को अधिक प्रभावित करता है। इस रोग के कीट पंक्तियों को खाकर नष्ट कर देते हैं जिससे पौधा अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है और कुछ समय पश्चात ही सूखकर नष्ट हो जाता है। इमीडाइक्लोरोफ्रिड या डाइमिथियोट की मात्रा आपको जो मात्रा है घोल बनाकर पौधे पर छिड़काव करने हैं इस रोग से बचाव के लिए। तो किसान भाई इस तरीके से ये रोग अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी उत्पादन जो है वो कभी भी कम नहीं होगी और इस तरीके से आप कर सकते हैं राजमा की खेती। और राजमा की खेती में किसी प्रकार को आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लीजिए वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।